السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم محترم سامعين आज के भी दर्स का मौजू है वो काम जिसके करने से रोज़ा नहीं टूटता है कल के दर्स का भी यही मौजू था कल पहला पार्ट था जो आपके सामने पेश किया गया जिसमें दस मसाइल थे और आज दूसरा पार्ट आपके सामने पेश किया जा रहा है जिसमें तकरीबन इन बारह मसाइल होंगे तो वो काम जिसके करने से रोज़ा नहीं टूटता है सबसे पहला मसला आज के दर्स का कि रोज़े की हालत में कान नाक और आँख में दवा डालने से भी रोज़ा नहीं टूटता है बुखारी में किताबो सोम बाबू सदा व शरीबा नासी में हिमाक़ फ़रमाते हैं इस तन तरफा दल हला लाबासबीमिक कोई आदमी नाक में पानी चढ़ा रहा हो और वह उसके हलक तक चला जाए और वो इस बात पर कुदरत नहीं रखता है कि उसको रोक ले नाक से हलक में जाने में फरमाते हैं ला लाबासभी कोई मसला नहीं है उसका रोज़ा नहीं टूटेगा तो जिससे ये मालूम हुआ अगर कोई नाक में दवा डालता है तब भी उसका रोजा नहीं छूटेगा अगर कोई कान में दवा डालता है उसका रोजा नहीं छूटेगा कोई अगर आँख में दवा डालता है तो उसका रोजा नहीं छूटेगा लेकिन बेहतर यह है कि रोजे की हालत में बचा जाए नाक में दवा डालने से क्योंकि नाक में जब दवा डालेंगे तो वो हलक तक जाती है और अगर कोई आदमी डाल रहा है तो उसको चाहिए जैसे ही उसका असर हलक तक पहुंचे या वो हलक तक पहुंचे फौरन उसको थूक दे अपने मुंह से खारिज कर दे तो मसला ये मालूम हुआ कि कान में नाक में और आँख में दवा डाली जा सकती है और रोज़ा नहीं टूटेगा लेकिन जो दवा का असर हलक तक पहुँचेगा उसको फ़ौर थूकना पड़ेगा खारिज करना पड़ेगा और रोजे की हालत में बेहतर ये है कि नाक में दवा न डालें दूसरा मसला रोजे की हालत में सुरमा लगा सकते हैं बुखारी में किताबों सोम बाब नंबर अट्ठाईस में इमाम हसन फरमाते हैं लाबाब सऊत ही कोई आदमी रोज़े की हालत में अगर अपनी नाक से दवा चढ़ाए और वो दवा हलक तक ना पहुँचे तो कोई मसला नहीं है जायज़ है लेकिन ये चीज़ तो ज़्यादा दुशवार है कि आदमी नाक से दवा डाले और उसका असर हलक तक ना हो जैसी हलक तक पहुँचे आदमी को चाहिए कि थूक दें और फरमाते दे हैं व एक तहल और सुरमा भी लगाया जा सकता है रोज़े की हालत में तो मालूम ये चला कि रोज़े की हालत में सुरमा भी लगाया जा सकता है सुरमा लगाना जायज़ है तीसरा मसला अगर नाक साफ़ करते हुए हलक में पानी चला जाए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि रमज़ान में नाक में पानी चढ़ाने में गुलू ना करो यानी ज़्यादा तेज़ तेज़ उसको ना चढ़ाओ बस आहिस्ता से चढ़ाओ लेकिन अगर चढ़ाने से पानी हलक में चला जाता है तो उसको चाहिए कि फौरन थूक दे फ़ौर उसको अपने मुँह से ख़ारिज कर दे तो नाक में अगर हलक में पानी नाक के ज़रिए हलक में पानी जाता है तो रोज़ा नहीं टूटेगा आदमी को चाहिए फ़ौर ख़ारिज कर दे चौथा मसला इसतहाजा आने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा इसतहाज़ा कहते हैं उस खून को जो औरतों की शर्मगाह से बीमारी की बीमारी की वजह से आता है औरत का पीरियड हो गया हैज़ की मदत उसकी खत्म हो गई लेकिन फिर भी वो आ रहा है वो हैज में शामिल नहीं है उसका शुमार हैज़ में नहीं है वो इस्तेहाज़ा है तो ऐसी सूरत में भी रोज़ा नहीं औरत को चाहिए अपना रोज़ा रखे और हर नमाज के लिए वो नया वज़ू करेगी इसहाजा में और जब हैज़ का मामला है तो उसमें रोज़ रख्सत हैं वो बाद में रखेगी और नमाज तो उस पर माफ है तो मसला ये मालूम चला रोज़े की हालत में अगर इस का खून आता है तो रोज़ा नहीं छुटेगा पाँचवा मसला रोजे की हालत में अगर नक्सीर फूट जाती है नाक से खून बहने लगता है तब भी रोज़ा नहीं छुटेगा छठा मसला रोजे की हालत में दांत उखड़वा सकते हैं रोज़ा नहीं छूटेगा लेकिन दांत उखड़वाने में एहतियात किया जाए कि खून जो निकलेगा थोड़ा बहुत उसको आप अपने हलक के अंदर नहीं ले सकते उसको थूकना पड़ेगा फ़ौरन तो दांत निकलवा सकते हैं जायज़ है इसी तरीके से रोज़े की हालत में नाखून काट सकते हैं रोज़ा नहीं छूटेगा इसी तरीके से रोज़े की हालत में सर के बाल काट सकते हैं इसी तरीके से रोज़े की हालत में ज़ेर नाफ़ के बाल काट सकते हैं रोज़ा नहीं टूटेगा और दाढ़ी काटना तो खैर ग़लत ही है नहीं काटना चाहिए आम दिनों में भी बग़ैर रोज़े की हालत में भी दाढ़ी रखना ये फ़र्ज़ की हैसियत रखता है तो ज़ेर नाफ़ के बाल काटे जा सकते हैं और दाढ़ी तो हर महीने में और हर दिन काटना नाजायज़ है इसी तरीके से कुछ लोग अस्थमा के मरीज़ होते हैं दमा की सांस लेने में उनको दिक्कत होती है और वो आलाई तनफ़स स्प्रे का इस्तेमाल अगर करना चाहें तो रोजे की हालत में कर सकते हैं रोज़ा नहीं छूटेगा। इमाम इब्ने बाज़ और इब्ने उसैमीन का यही फतवा है इसी तरीके से रोज़े की हालत में खुशबू लगा सकते हैं रोज़ा नहीं चूटेगा इसी तरीके से अगर कोई आदमी बीमार है तो वो रोज़े रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगवा सकता है रोज़ा नहीं टूटेगा लेकिन शर्त ये है कि वो रोज़ा वो इंजेक्शन जो है आपका ताकत का ना हो वो बीमारी का हो ताकत का नाव अगर ताकत का होगा तो रोज़ा बाकी नहीं रहेगा अगर बीमारी का इंजेक्शन है तो, रोज, तो रोजे तो रोज़े की हालत में लगवाया जा सकता है और रोज़ा नहीं टूटेगा इसी तरीके तो से आखिरी मसला रोज़े की हालत में खून टेस्ट करवा सकते हैं ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं आम तौर से ब्लड टेस्ट में बहुत ज़्यादा खून नहीं निकलता है थोड़ा निकलता है तो ब्लड टेस्ट करवाना जायज़ है लेकिन उतना ज़्यादा खून निकला है कि आदमी बदहवास हो जाए आदमी का जहन उसके काबू में ना रहे तो ऐसी सूरत में ये मुनासब नहीं है लेकिन थोड़ा खून अगर निकाला जा रहा है ब्लड टेस्ट के लिए तो जायज़ है कोई मसला नहीं है तो कल से लेकर अब तक, तक, तक तकरीबन बाईस मसाइल आपके सामने आए मैं फिर से दोहरा देता हूँ वो काम जिसके करने से रोज़ा नहीं जुटता है रोजे की हालत में मिसवाक कर सकते हैं टूथपेस्ट भी कर सकते हैं लेकिन टूथपेस्ट करने से बचना चाहिए इसी तरीके से जनाबत की हालत में रोजे के लिए अगर किसी ने सहरी खाई है तो उससे भी उसका रोज़ा नहीं टूटेगा तीसरी ती चीज़ अगर रोज़े की हालत में एहतराम हो जाए या मजी आ जाए तो रोज़ा नहीं टूटेगा अगर किसी को जज्बात पर कंट्रोल हो तो वो अपनी बीवी का बोसा ले सकता है रोज़ा नहीं टूटेगा इसी तरीके से सर में पानी डाल सकता है और अपने सर के ऊपर गीला कपड़ा रख सकता है बर्फ़ रख सकता है रोजा नहीं टूटेगा इसी तरीके से खाना चखने से भी रोजा नहीं टूटेगा लेकिन चाहिए कि फ़ौर चखने के बाद उसको थूक दें इसी तरीके से कुल्ली कर सकते हैं रोजे की हालत में रोज़ा नहीं टूटेगा इसी तरीके से सर में तेल डाल सकते हैं कंगी कर सकते हैं रोज़ा नहीं टूटेगा इसी तरीके से थूक को निकल सकते हैं रोज़ा नहीं टूटेगा मक्खी या गर्दो गुबार मुँह में चली जाए तो रोजा नहीं टूटेगा रोजे की हालत में कान नाक आँख में दवा डाली जा सकती है रोजे की हालत में सुरमा लगाया जा सकता है रोजे की हालत में अगर नाक में पानी चढ़ाते वक्त पानी हलक तक चला गया है तब भी रोजा नहीं छूटेगा और उसको चाहिए कि जो पानी हलक तक गया है फौरन उसको खारिज कर दे खा, खारिज कर दे इसी तरीके से इस्तहाजे में भी रोजा नहीं छूटेगा इसी तरीके से नखसिर फूटने से भी रोजा नहीं छूटेगा दांत उखड़वा सकते हैं रोजा नहीं छूटेगा रोज़े की हालत में सर के बाल कटवा सकते हैं ज़ेर ज़ेरनाफ़ के बाल साफ़ कर सकते हैं नाखून काट सकते हैं अगर कोई दमा का पेशेंट है तो वो स्प्रे यूज़ कर सकता है रोज़ा नहीं छूटेगा रोज़े की हालत में खुशबू का इस्तेमाल किया जा सकता है रोज़े की हालत में बीमारी वाला इंजेक्शन लगवाया जा सकता है जिसमें ताकत ना हो और रोज़े की हालत में खून टेस्ट भी करवाया जा सकता है तो वो काम जिसके करने से रोज़ा नहीं टूटता है आपके सामने पेश कर दिए गए हैं अल्लाह ताला तम सबको